के संस्कृत साहित्य की कक्षा में आप लोगों को महाकवि वाल्मीकि के किलाकारुणी महाकाव्य की कथा वस्तु के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि किलाकारुणी महाकाव्य बृहत् त्रयी महाकाव्यों के अंतर्गत आता है। पहला है तीन महाकाव्य बृहत् त्रयी के अंतर्गत आते हैं। वह पहला है किलाकारुणी, दूसरा है शिशुपाल वधम, तीसरा है नैषधीय जयवर्मन। ठीक, अब हम बात करते हैं कि किलाकारुणी महाकाव्य 18 सर्गों का यह महाकाव्य महाभारत के वन पर्व में तथा शिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय 63 से 67 तक वर्णित एक छोटी सी घटना पर आधारित है। दुर्योधन द्वारा अन्यायपूर्वक दूध कीड़ा में पराजित कर दिए जाने पर पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राज्य की प्राप्ति हेतु सत्य अर्जित करने के उद्देश्य या क्रम में व्यास युधिष्ठिर की आज्ञा से तृतीय पांडव अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं। तत्पश्चात तपस्या से प्रसन्न होकर शिव किरात वेश में आकर उनके पराक्रम की परीक्षा लेते हैं और अंत में संतुष्ट होकर उनको उनका अभिषिक्त आयुध और शत्रु विजय का सुभाषित प्रदान करते हैं। महाभारत के इसी छोटे प्रसंग को कल्पना और विलक्षणता का स्तर प्रदान कर महाकाव्य का स्वरूप महाकवि खारवी ने प्रदान किया है। कवि ने न केवल कथा का विस्तार किया अपितु अपनी विद्वता विशेषकर राजनीतिक विद्वत के माध्यम से उसे आवर्जक चमत्कार पूर्ण तथा हृदयग्राही बनाकर सुदीजनों या विद्वानों के लिए उनकी बुद्धि को कसने वाली कसौटी बनाकर प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य का अंगी रस जो प्रधान या मुख्य रस है वह वेद रस है। इसका नायक धीरोदार अमित प्राकृतिक अर्जुन है और पाशुपतास् रूपी महान लक्ष्मी प्राप्त काव्य का महान फल है। महाकाव्य के लक्षणों के रूप प्रभात चंद्रोदय धूम पर्वत तथा अप्सराएं आदि के मन द्वारा वस्तु की काव्य काव्यानुकूल और सरस बनाया गया है। महाकाव्य की कथा वस्तु या विषय वस्तु इस प्रकार है। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि महाकाव्य की कथा वस्तु इस प्रकार है। ठीक, क्योंकि जब हम कथा वस्तु को नहीं समझेंगे तो किलाकारुणी महाकाव्य नहीं समझ में आएगा। इसलिए किलाकारुणी महाकाव्य की कथा वस्तु को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। दूध पीड़ा में दुर्योधन से पराजित होकर दृष्टि द्वैत वन में निवास कर रहे थे। उन्होंने दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानने के लिए एक वनेचर या गुप्तचर वनेचर के रूप में गुप्तचर के रूप में भेजा। एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में भेजा। ठीक है बच्चों, वनेचर दुर्योधन की संपूर्ण राज्य प्रणाली का पता लगाकर युधिष्ठिर के पास आया और उसने दुर्योधन की सुव्यवस्थित व्यवस्था की बात बताई।
तपस्या की। अर्जुन के तप को भंग करने के लिए अप्सराएं कठिन द्रुणवती अर्जुन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और उन्होंने अभिष्ट की सिद्धि के लिए भगवान शंकर की आराधना का निर्देश दिया। इंद्र के उपदेश के अनुसार, यानी भगवान इंद्र जी के उपदेश के अनुसार, अर्जुन ने दत्त चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। मुनिजन ने शूकर को अर्जुन की ओर भेजा। अर्जुन ने पिनी और आते हुए शूकर पर बाण चला दिया या बाण का संधान किया और बाण शूकर को, बाण के द्वारा शूकर को मारकर पृथ्वी में धस गया। उस उधर विराट ने भी तीर छोड़ा जो शूकर के शरीर में घुसा था। उसी बाण के लिए विराट और अर्जुन के बीच गर्म युद्ध छिड़ गया। युद्ध में मल्ल युद्ध करने लगे, जो दोनों योद्धाएं थे जो मल्ल युद्ध करने लगे। अर्जुन के अतुल बल से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना स्वरूप प्रकट किया और अपना दिव्य पाश प्रकाश देकर अर्जुन के मनोरथ को पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, ये रही बच्चों महापर्व भारवी की किरातारोहिणीयम महात्माग्नि की कथा वस्तु या विषय वस्तु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने किरातारोहिणीयम महाकाव्य की कथा वस्तु को बताया हुआ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत